के फिल्म न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिधिमा गुप्ता। श्री शिक्षा निकेतन स्कूल में हुआ बाल दिवस का आयोजन। गया शहर के नैली रोड खटकाचक स्थित श्री शिक्षा निकेतन स्कूल में बाल दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर बाल दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में स्कूल के बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग, निबंध लेखन, भाषण के साथ अन्य गतिविधियों के रूप में म्यूजिकल चेयर, पासिंग द बॉल, बैकेट द बॉल, चेस, लूडो, कैरम आदि तरह खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के आयोजन के उपरांत विद्यालय द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गया कॉलेज शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय धीरज एवं मानस मुक्ति केंद्र के संस्थापक आचार्य प्रणव मिश्र के साथ विद्यालय प्राचार्य पूनम सिन्हा ने बच्चों के बीच प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी का वितरण किया। समारोह में सबसे पहले बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उसके बाद आगत अतिथियों के साथ विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं बच्चों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आए डॉक्टर धीरज ने कहा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा देश आज जन्म दिवस मना रहा है। खास करके बच्चे उत्साहित होकर चाचा नेहरू का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन एवं मनन करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ ना पड़े, जिसको लेकर खास करके छोटे छोटे बच्चों को खेल में आनंदमय तरीके से शिक्षा ग्रहण करवाना ही बड़ी चुनौती हो गई है। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही शिक्षा देने का प्रयास शिक्षण संस्थानों को करना चाहिए। डॉक्टर धनंजय धीरज ने बताया कि विद्यालय को घर से दूर होना एवं शिक्षकों के भाषों को बच्चों द्वारा न समझाना, साथ ही विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले भाषा को भी पढ़ाई पर असर का कारण है। वहीं उन्होंने कहा कि विद्यालय में अगर सरल भाषा का प्रयोग किया जाए तो छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आसानी से अग्रसर हो सकते हैं। वहीं इस मौके पर उपस्थित आध्यात्मिक गुरु ज्योतिषाचार्य तांत्रिक सह मानस मुक्ति केंद्र के संस्थापक आचार्य प्रणव मिश्रा ने भी बाल दिवस के मौके पर विद्यालय प्रबंधन सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यालय अग्रसर रहे, यही मेरी कामना है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से दवा से ज्यादा दुआ काम करते, बाल दिवस संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य है और आज का दिवस इस देश के भविष्य का दिवस है। सबसे पहले तो विद्यालय अग्रसर आगे बढ़े, ये शुभकामना भी है, और जितने भी यहाँ के छात्र छात्राएं, विद्यार्थी, ये हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, भगवान इन लोगों का कार्यक्रम आयोजन रखा गया है, इसमें हम सबके बाल बच्चों के साथ उत्सव मना रहे हैं। आज चाचा नेहरू का जन्मदिवस है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, सभी बच्चों से, इसलिए उनकी जन्मदिन पर उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन बच्चों के जन्मदिन के रूप में मनाया जाए, बच्चों के दिवस के रूप में। इसलिए हम लोग का स्कूल है तो हम लोग भी बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।